हाय श्रेन, हमने लास्ट क्लास में इन आवर लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट टार्क। हमने टार्क के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट आवर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन विच लुक वी हैव डिफाइन इन आवर लास्ट क्लास टार्क एज अ आवर टार्क वेक्टर इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर टू द फोर्स रेडियस वेक्टर टू द फोर्स आउट। तो सपोज वी हैव अ डोर समथिंग वी हैव अ डोर हियर। हमारे पास ये दरवाजा है, हम इसे खोलने क्या करते हैं? वी आर ऑलवेज ट्राई टू बी पुश हिम परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर पुश करते हैं तो अपनी एक्सेस के थ्रू हमारा दरवाजा ये टर्न होता है। हम कोई एंगल्स के थ्रू इस पर फोर्स अप्लाई करें किसी भी एंगल पे, देन तो सिर्फ उस जहाँ पर फोर्स अप्लाई की वो पार्ट में ही थोड़ा फोर्स चेंज आती है, है ना। जो कहने का मतलब हमारा जो टार्क है, एक्चुअली अवर टार्क इज ऑल्सो नोन एज इट्स सुडो फोर्स। फिजिक्स के टर्म्स में सुडो फोर्स की बात न करते हैं, मैथमेटिकली हम बात करते हैं। देन जो अपना हमने ये है, हमने इस पर फोर्स लगाया, जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमने क्या लगाया, फोर्स हमने क्या लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया वहाँ पे, तो अब इसको ये रोटेट होने के लिए मूव करेगा वहाँ पे, ये हेल्प करेगा यहाँ रोटेट हो जाओ। दैट्स वाई कि अब जब अपने फोर्स के देन यहाँ पर कवर करेंगे किसी थीटा के अबाउट, देन आवर दिस लुक अप। हम जब भी किसी फोर्स को आपको रिजॉल्व करते हैं, देन वहाँ पे हमारा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। अब वहाँ पे जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करनी फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई किया, देन इस आवर एफ साइन थीटा, लुक एफ साइन थीटा, वही हमारा एफ साइन थीटा क्या है, इट्स आवर व्हाट, इट्स आवर क्रॉस प्रोडक्ट। दैट्स वाई आवर टार्क इज गिवन बाय वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। मीन्स जो हमारी टॉर्क है वहाँ पे, ये बात हुई टार्क की, हाउ कैन वी आर गोइंग टू बी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क देयर, विच जनरेट देन वी आर हैव टू बी टेक इट्स क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ देयर। मीन्स आवर आर इज आवर रेडियस वेक्टर, जस्ट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टार्क देयर, हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ टार्क, जस्ट सपोज इट्स आवर रेडियस वेक्टर, प्लीज फ्री आपके रेडियस वेक्टर डायरेक्शन है, वहाँ पे अपना हाथ आप ऐसे करिए, देन ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू रोटेट अबाउट योर रेडियस वेक्टर देयर, जैसे आपने रेडियस वेक्टर की तरफ के तरीके से आपने इसको रोटेट किया, अपने फिंगर्स को फोल्ड किया by your right hand orientation method, then its thumb, your thumb is give the direction of your टार्क, वो आपकी उस टार्क की डायरेक्शन देगी। देन अब लास्ट क्लास में हमने टार्क की डिफिनेशन दी, हमें टार्क कैसे डिफाइन किया, वी हैव नॉट डन एनी क्वेश्चन ऑन दिस, एंड वी स्टार्ट विद वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स, फाइंड द मोमेंट अबाउट, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट अबाउट, फाइंड द मोमेंट अबाउट वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन ऑफ द फोर्स, वी हैव गिवन फोर्स हियर, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, एक्टिंग एट वन जीरो माइनस टू, वन जीरो माइनस टू, लुक वी हैव टू कैलकुलेट योर मोमेंट, हमें यहाँ पर मोमेंट कैलकुलेट करना है। इट्स गिवन दैट फाइंड द मोमेंट अबाउट अबाउट द पॉइंट, मीन्स वी हैव टू फाइंड हमारे हमारे पॉइंट अबाउट है, ऑब्वियसली ये हमारा पॉइंट है, वी हैव मोमेंट अबाउट द पॉइंट वन माइनस वन माइनस वन, फोर्स इज एट वन जीरो माइनस टू, सपोज इट्स आवर पॉइंट वन जीरो माइनस टू, और उससे फोर्स अप्लाई करें तो ऑब्वियसली ये रोटेट करेगा वहाँ पर, देन आप हमारा जो रोटेशनल फोर्स है, हमारा टार्क है वो उसकी मैनेजमेंट कर रही है, और जो फॉर्मूला इट्स अ हाउ कैन यू फाइंड आउट आवर रेडियस वेक्टर, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट वन माइनस वन माइनस वन, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी अप्लाई आवर फोर्स देयर, देन वन जीरो माइनस टू, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट आवर रेडियस वेक्टर, इट्स गिवन बाय डिफरेंस ऑफ दिस वन माइनस जीरो, सॉरी वन माइनस वन, वन माइनस वन आई कैप, जीरो माइनस माइनस
प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस वन जे कैर एंड देन व्हाट वी गेट प्लस माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन माइनस टू प्लस वन के कैर देन आवर रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय इट्स आवर जीरो जीरो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप नाउ वी हैव आवर रेडियस वेक्टर हमने अपना रेडियस वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है अभी हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है आवर वेक्टर इज गिवन बाय जे कैप माइनस के कैप देन व्हाट इज आवर टॉर्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ देन हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप एंड द वैल्यू ऑफ आर इज जीरो वन एंड माइनस वन राइट डाउन योर जीरो वन माइनस वन एंड एफ और फोर्स इज गिवन बाय थ्री आई कैप हियर थ्री फोर जे कैप माइनस फाइव कैप नाउ वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन दिस वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन इट देन what we have deleting the I cap taking I cap then deleting its respective row and column what we have only this part and what we have minus 5 and minus 9 plus 4 minus 5 plus 4 minus j cap we have deleting this row now we have only 0, 3 and minus 1, minus 5, then 0 and it's a minus minus 0 plus 3 plus k cap now we have 0, 1, 3, 4 it's a 0 and minus 3 after solving what we have minus 5 plus 1 means minus I cap 0 plus 3 minus 3 j cap 0 minus 3 minus minus 3 k cap this is our torque it's a what? माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप एंड माइनस थ्री के कैप नाउ वी कैलकुलेट इट्स बाई इट्स माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप एंड माइनस थ्री कैप टेक अनदर वन ऑफ एग्जांपल वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर टॉर्क नाउ वॉक Find the moment about the point. It's given there. Find the moment about the point. About the point. We given I plus 2 j cap minus k cap. Find the moment about the point I plus 2 j cap minus k cap of a force represented by. Of a force represented by I cap plus 2 j cap. Force represented by I cap plus 2 j cap plus k cap. Acting through the point and our acting point is what? Through the point 2 I cap plus 3 j cap and plus k cap. Now we have to again we have to be calculate here our moment force or torque. It's given that it's about a point I cap plus 2 j cap minus k cap and acted on the force acted on the point is what? It's a 2 I cap plus 3j cap plus k cap then again first of all we are going to find out our radius vector how can we find out difference of this 2 cap 2 I cap minus I cap what we get I cap 3j cap minus 2j cap plus j cap k cap minus minus plus k we get 2 k cap now we get our radius vector hame apna radius vector mil gaya force hamare paas pehle se hi the क्या करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वी हैव अ फोर्स देन मोमेंट इज आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आवर मोमेंट देन आवर मोमेंट इज इक्वल टू और टॉर्क इज इक्वल टू गिवन बाय आई कैप जे कैप के कैप वैल्यू ऑफ आर इट्स आर क्रॉस व्हाट इज योर मोमेंट आर क्रॉस एफ R is the value of R is what? 1, 1, 2. Force is what? 1, 2, 1. Now, I cap, and deleting this row and column, what we have? We have 1, 2, 2, 1. 1 into 1, minus 4. 1 minus 4. Minus J cap. Deleting the row and column. 1 into 1, 1 minus 2. Plus K cap. Deleting the row and column, what we have? 1, 1. And
1, 2 is 2 minus 1. Now what we have? It's a minus 3i cap plus j cap plus k cap. This is our required moment. This is our required moment. It's a given by minus 3i cap plus j cap plus k cap. Look out. Again now, what do we do? In any types of problem, whenever we have to calculate moment here, then there is given two points. First is about a point and an acting point here. Then we are, first of all, we are going to find out first our radius vector. How can we find out about our our acting point? This is our about a point, and we take the difference of these position vectors given by we can take it some terminal point. This is our initial point. Then after getting radius vector, we have a force there. Then to calculate moment, our moment is calculated by, it's a cross product of radius vector r and force f. Putting the values here, I cap, J cap, K cap, and 1, 1, 2, 1, 2, 1, we get our, after solving which, we get our required moment there. And this is some problems which are related with our moment application of in the part of application of our vector cross product. Now look. Now we are going to start with one of the interesting topic again. It's a part of vector. It's named as scalar triple product. It's named as scalar triple product. So, scalar triple product. Now my first scalar and triple product definition की बात करते हैं कि अगर पहले कैसे define करते हैं तो जनरली जो हमारा scalar triple product है वो जो हमारा defined है defining way है the way of हम उसको क्या लिखते हैं the representation है it's a cross b dot c. First of all, look, here is given triple product. What is the sense of triple here? Triple ki sense means of kya? Teen. We have three vectors there. Product. Scalar triple product. First of all, we have to be understand what the meaning of scalar triple product. Generally, when we are going to talking about it's a definition theory there, and it's what? It's a the scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors. One of which is itself the vector product of the two vector is our what? It's a scalar quantity there, and it's called our scalar triple product. And we write down in that as it is vector A, vector B, C is given by A cross B dot C. First of all, look, why it's a scalar there? Look, see here, we have a vector A, we have a vector B, we take its cross product vector A cross B, and we know that what it is our vector. Our vector A cross B is also a vector. Now it's our new vector. Just suppose we take it's D. A cross B is equal to D. Then we're taking dot product as to the our vector C. Now what is our dot product? When we are going to take the dot product of two vectors, then we get it's a scalar value. That's why our scale it's named as scalar triple product, and this is our scalar triple product. You have to be kept in mind that why it's a cross b dot c. So ye tha hamara scalar triple product. Abhi triple product ki baat karte hain, geometrical baat karte hain ki meaning kya hai, geometrical interpretation kya hai, what is the geometrical meaning of our, this is our notation. Ye to hamari notation ki baat hogi. Scalar triple product ki meaning, geometrical meaning kya hai, geometrical interpretation kya hai hamari scalar triple product ki, क्योंकि हमने ए क्रॉस बी से पहले ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखी थी. तो वहाँ पे हमने देखा कि ए डॉट बी इज जस्ट आवर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर देयर. फिर हमने वहाँ पे दिखाया जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो अगर हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम्स के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट्स गिवन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. आपका वेक्टर ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं. Just suppose we are going to draw figure there.
look, we have a parallel pipe here. It's our parallel pipe. Just suppose it's our vector A there. This represent our vector B there, and this is represent our vector C there. If Addison's conical sides का हमारे parallel pipe के conical sides के जो vectors हैं, वो A vector A interminous vectors से बोलते हैं counter. Then vector A, vector B, vector C. ये parallel pipe हो गया. Vector A, vector B, vector C. Just suppose कि write down C here. This is our vector A, this is vector B. और इन दोनों के mutually perpendicular हमने क्या ये हमारा क्या है? It's our vector A cross B. ये ही हमारा क्या होता है? Vector A cross B जो दोनों vectors के mutually perpendicular से. Just suppose this is our vector A cross B and ये vector C है. Just suppose the angle between A cross B is theta. What is our theta? It's the angle between A cross B and vector C. It's the angle between A cross B and our vector C. Look, just suppose it's our theta angle. अगर हम geometry की use करते हैं और geometry का use करते हुए बात करते हुए यहाँ से अगर एक डाल दें हमने यहाँ पे एक perpendicular डाल दिया हमने एक perpendicular डाल दिया O A B gives names something D E B छोड़ते हैं O A B C E we have E F G we just take here it's our B there and it's our right angle triangle O B G O B G is our right angle triangle अभी बात करते हैं pop इस बात करते हैं vector A cross B and then अभी look बेटा we can write our vector A cross B is as हमें पता है कि इसको हम this is our vector A cross B we can bring in the form of A cross B because our vector A cross B is what we get it's a cross B sin theta cap this is our vector A cross B अभी हमने जैसे ही इनका क्या किया A cross B n cap है we have are going to take the dot product our C there A cross B going to take the dot product as a C A cross B dot C then what we see that here we get A cross B with n cap into C then what we get this A cross B so we are going to take dot product of n and C then what we get mod of n cap mod modulus of magnitude of vector C and what is the angle between unit vector and C is what just we are going to take it's a cos theta it's our nc cos theta how what is represent this our a cross b it's our a cross b it's our it's parallel pipe it's a this part is as a parallelogram then what we this is our area of this parallel part it's representing the area of our parallelogram it's our area representing our area of our parallelogram is it gives the area part now we have here area we have a magnitude of area here now look what about it's our unit cap vector then its unit is 1 there look c cos theta we are going to be calculate vector c when it's c cos theta when we are going to take the this if this is our theta then also this angle is theta by our geometry then here when we are going to find out the value of c cos theta what we get it's a gb our gb is given by c cos theta what is our gb this gb is what height now here we have area here we have a height of a parallel pipe then what we get volume of parallel we get a volume of parallel pipe means geometrical that our jo hamari geometrical meaning hai aapki vector a cross b c ki wo kya hai geometry ki jo hum iskarat trigonometric beta liye ja le rahe hain uski geometrical meaning kya hai
कि ये आपकी वॉल्यूम देती है, किसकी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये वो पैरेलल पाइप की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो लुक अभी अभी हमने क्या बात की, हमने स्केलेटल प्रोडक्ट की बात की कि हमारे जो स्केलेटल प्रोडक्ट है वो इट्स कैन बी डिफाइंड बाय इन ए बी सी और इट्स गिवन बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी। अभी फिर उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये देखा कि जो हमारा स्केलेटल प्रोडक्ट है वो क्या शो करता है, वो पैरेलल पाइप की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इट्स गिव्स अ वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप हियर। देन अभी आते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन पे, कैसे हम ए क्रॉस बी सी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हम जो हमारा कार्टेशियन पार्ट था हमने जिसको पढ़ा हुआ है, हमने क्या कार्टेशियन में हम डिटरमिनेंट्स के कैलकुलेट करते थे ए क्रॉस बी को, अभी ए क्रॉस बी डॉट सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन आवर आंसर इज व्हाट, यस इसको भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा ए क्रॉस बी, हमारा ए क्रॉस बी था आई कैप जे कैप के कैप, जो सपोज आवर वेक्टर्स ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड सपोज के लिए हमारा जो बी है इट्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप एंड आवर वेक्टर सी इज गिवन बाय सी वन आई कैप सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप और एक वेक्टर ए बी सी दिया, ए क्रॉस बी इज गॉट गिवन बाय ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू एंड बी थ्री। अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, और ए क्रॉस बी को जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, तो ये अभी क्या आने वाला है, ये हो जाएगा आई कैप एंड व्हाट वी है ए टू दिस ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू देन माइनस जे कैप ए वन बी थ्री ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन एंड देन प्लस के कैप ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अभी हमारा ए क्रॉस बी है, अब ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लिया सी के साथ, मीन्स वी आर गोइंग टू टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विथ दिस बाय वेक्टर सी, जैसे सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे देन व्हाट वी गेट डॉट प्रोडक्ट इट्स गिवन बाय ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू इंटू सी वन देन वी कैन राइट डाउन चेंजिंग इज प्लस प्लस ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री सी टू एंड प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन सी थ्री। नाउ अभी आपका जो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू सी वन ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री सी टू है, ये आपका डिटरमिनेंट एक्सपेंड है किसका, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। रुक देखिए, ये थी हमारे अभी हमने क्या एक्सप्रेस किया, हमने जो भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। जब भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हम कैसे, इफ वी हैव गिवन थ्री वेक्टर्स ए बी सी तो हम कैसे करेंगे, ये हम जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हमने एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस कर दिया इन द टर्म ऑफ व्हाट इज यू कैन एक्सप्रेस टर्म ऑफ ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप्स के फॉर्म्स में, हमने ये हमारे ट्रायड थे, ट्रायड ऑफ वेक्टर्स थे, इनको हमने एक्सप्रेस किया डिटरमिनेंट फॉर्म में कि ए वन इन टू ए थ्री। अब हम इजीली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी इसकी, अभी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमारी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है।
चीजें रिटेन करता है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी वन है इन स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो थी हमारी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है इन स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज व्हेन वी आर गोइंग टू बी मेक चेंजेस इंटरचेंजेस आर गोइंग टू बी मेक इन अ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज व्हेन वी आर गोइंग टू बी मेन अप साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज मेंटेन देयर देन वी कैन चेंज द स्केलेटर प्रॉपर्टी ऑफ विच इन आवर साइक्लिक ऑर्डर। तो सपोज वी हैव अ वेक्टर्स हियर साइक्लिक ऑर्डर्स में अगर हम चलते हैं तो मुझे पहला प्रॉपर्टी है स्केलर टाइप प्रोडक्ट जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी है। साइक्लिक ऑर्डर में हम क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, मींस इट्स कैन बी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, मींस आवर जो वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी है वो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मींस इन चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ फैक्टर रिंग्स अबाउट अ चेंज ऑफ ऑर्डर। इट्स आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो वहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी और ये आपस में बराबर क्या भी जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म एक्सप्लेन किया है वहाँ पे आप रख के देखिएगा एक्सपेंड करिएगा आपको क्या मिलने वाली है सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी आपका वैक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी है वो सेम मिलेगा। अब भी पहले बी क्रॉस सी के साथ वेक्टर रख लीजिए फिर ए के साथ डॉट रख लीजिए जो एक्सपेंशन आएगी वो ए क्रॉस बी डॉट सी के वैल्यू के बराबर ही आएगी। तो ये थे हमारी पहली थी। दूसरा जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का वो ये है कि जो हमारा वेक्टर ए बी सी है अगर इस वेक्टर्स में हम साइक्लिक चेंज करते हैं वेक्टर्स के ऑर्डर में साइक्लिक चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स वी कैन राइट डाउन एट वेक्टर ए बी सी वी कैन राइट डाउन वॉट सी ए बी ऑल्सो वी कैन राइट डाउन इट्स बी सी ए मीन्स जो हमारा स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वहाँ पर हम अगर साइक्लिक ऑर्डर में चेंजेस करते हैं तो इसमें क्या होगा हमारा वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट्स गिव्स ऑल वैल्यूज आर सेम देयर इट्स सेम मीनिंग ए बी सी सी ए बी एंड बी सी ए। तीसरी प्रॉपर्टी है इन स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारे कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो हो जाएगी। इसको भी आप इजीली वेरीफाई कर देंगे जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे डिटरमिनेंट्स फॉर्म में हमारे दो वेक्टर्स सेम हो जाएंगे मतलब ए वन ए टू ए थ्री डिटरमिनेंट्स देन अगेन ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी वन बी टू बी थ्री डिटरमिनेंट्स हम जानते हैं कि अगर दो कोई भी दो रो एनी इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स व्हाट इट्स अ वैनिश मींस इट्स अ जीरो वो जीरो हो जाती है। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी अगर हमारा कोई भी होगा कोई भी दो वैक्टर सेम हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। फोर्थ इन स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर हम ये साइक्लिक ऑर्डर में कुछ चेंज ना करें तो जो हमारा ए बी सी है तो सपोज कि हमने क्या लिख दिया पहले बी सी लिख दिया बी सी ए हमने बी सी को आपस में इसमें से किसी दो को मतलब चेंज कर दिया यहाँ पे हमने तो अभी तो साइक्लिक चेंज हो गई है इसमें तो हमारी बी सी ए तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू जाएगी ए बी सी सी ए भी वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा आपस में अगर चेंज कर दिया
मान लिया पहले बी इसको कर दिया, बी हो गया और ए हो गया, देन सी हो गया, बी ए सी। ऑब्वियसली देखो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आते हैं तो ए वन ए बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये हुई। यहाँ पे अगर आप देखिए तो बी वन बी टू बी थ्री ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, क्या क्या चेंज हुआ बेटा डिटर्मिनेंट्स में, क्या होगा? हमारे दो रो आपस में इंटरचेंज हो गए। अब जब दो रो आपस में इंटरचेंज होते हैं तो फिर क्या होता है, माइनस। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा, इट्स ए बी, इसको चेंज कर दिया तो व्हाट वी हैव, व्हाट वी गेट हियर, वी गेट देयर माइनस बी ए सी, वी गेट अ माइनस बी ए सी। तो कभी हमने आज की क्लास में स्क्रेट ट्रिपल प्रोडक्ट्स के प्रॉपर्टी डिस्कस करा था, अभी आज के लिए क्लास एनफ है। कल क्लास में इसी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स की बाकी अदर्स, देर आर ऑल्सो रिमेंस टू टू और थ्री मोर प्रॉपर्टीज आर देयर, वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बची हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को प्लेनर कब आपके जो थ्री वैक्टर्स हैं वो कैसे, को प्लेनर की कंडीशन क्या होती है, क्या नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है किसी भी गिवन थ्री वैक्टर्स को प्लेनर शो करने का, तो उसकी डिस्कशन कल की क्लास में होगी। थैंक्स टू ऑल।